बनगढ़ पलेठी में स्थापित यह सूर्य मंदिर 7वीं शताब्दी का आज भी क्यों सरकार की नजरों में नहीं है? और न जाने ऐसे कितने मंदिर और देवभूमि उत्तराखंड में होंगे जिस सूर्य भगवान की कृपा से पूरे संसार में उजाला होता है, आज उसी का मंदिर जीर्ण हालत में पड़ा हुआ है। क्यों सरकार इसकी सुध नहीं लेती? टूटे हुए मंदिर जो है अगर सरकार बना दे तो बड़ी अच्छी बात है। जय गणेश काटो कलेश। दोस्तों, आज जो स्थिति है, ना हमें ये पौराणिक मंदिर दिखेंगे और ना ऐसे बुजुर्ग दिख पाएंगे। नमस्कार, तो आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। आखिर क्यों कहता हूँ, जिसे न दिखाए कोई और उसे दिखाता है पुनः गांव की ओर। जिस सूर्य भगवान की वजह से पूरे संसार में उजाला होता है और चारों तरफ का अंधकार मिट जाता है, आखिर क्या कारण है कि सूर्यदेव भगवान का मंदिर आज खुद अंधेरे में अंधकार में है? पुरातत्व विभाग भी इसको संज्ञान में ले चुका है और उसके बाद से यहाँ पर कुछ बोर्ड जरूर लगाए गए हैं जिन पर साफ लिखा गया है कि आप यहाँ पर ना कोई पत्थर चुरा सकते हैं ना कोई निर्माण कर सकते हैं। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि यदि पुरातत्व विभाग हमें परमिशन दे दे तो हम पूरे क्षेत्रवासी पैसा इकट्ठा करके इस मंदिर को बनाने में सक्षम है, क्योंकि सूर्यदेव भगवान की कृपा से इस पूरे क्षेत्र पर कृपा है। तो आइए मैं अब आपको ले चलता हूँ सूर्यदेव भगवान के मंदिर प्रांगण में और दिखाता हूँ आपको। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज देखिए, अगर इस मंदिर का नवनिर्माण हो जाए, इस पर हमारी सरकार की नज़र पड़ जाए, तो शायद पूरे क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारे सूर्यदेव भगवान जिनकी कृपा से सब कुछ, गर्मी होती है तो बारिश होती है, सूर्य भगवान अगर एक दिन भी ना आए तो कैसे लगता है आपको, अंधकार। अब आप देखिए ये मंदिर कितनी जीर्ण शीर्ण हालत में आप देख पा रहे होंगे। वहीं अगर मैं आपको दूसरी ओर दिखाना चाहूँ, इसे भी आप देख लीजिए, ये शिलाएँ पहले कहाँ थी अब कहाँ हैं। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग जरूर मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा और उनसे जानने का प्रयास करूँगा कि इसका रखरखाव कैसे होता है और कैसे इतनी सुंदर सफाई यहाँ पर ये हो रखी है। जय माता की। यहाँ पे प्रतीत हो रहा है कि ये माता का मंदिर भी साथ साथ में है। और कौन सी माता का मंदिर है? और ये जो है पार्वती का मंदिर है और ऊपर वाला जो है गणेश का मंदिर है, जो है यहाँ क्षतिग्रस्त हो रखा है। हमने पुरातत्व विभाग से जो है कई बार इंजीनियरों से बोला था इस मंदिर को ऐसे ही बना दो जैसे ये अन्य मंदिर है, जो सूर्य मंदिर और शिव मंदिर है। उन्होंने बोला कि हमारे पास इतना बजट नहीं है, तो हमने ये बोला कि हमसे 9-2-60 एकड़ दे दो और हम बनाएंगे। गांव वाले ये प्रदेश के बच्चे ऐसे ही जैसे सेम टू सेम उन्होंने मना किया, वो हमको परमिशन नहीं दे रहे। ये दो मंदिर जो है ये अधूरे हैं, अभी ये टूटे हुए हैं, इनको हम ऐसे ही बनाना चाहते थे जैसे वो अन्य मंदिर है, चाहे हम कहीं से भी इन पत्थरों को लाते। अब आप देखिए, जहां आज एक होड़ लगी हुई है कि नए नए मंदिर बनाए जा रहे हैं, अच्छी बात है, मंदिर बनने चाहिए, लेकिन जो हमारे प्राचीन और पौराणिक मंदिर हैं, जो न जाने जैसे कि कह रहे हैं कि 6वीं या 7वीं शताब्दी में ये मंदिर बने हुए हैं, लेकिन इन पे किसी का भी ध्यान नहीं है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो हवन कुंड, इसके ऊपर ये पूरा खुला हुआ है। भाई जी आप नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम क्या है? भगवान सिंह। भगवान सिंह जी, आप तो भगवान का कार्य कर रहे हैं, तो बहुत धन्यवाद आपका भी। ये यहाँ पर हवन कुंड है, ये मंदिर के बारे में भाई साहब ने बता दिया, क्या हो रहा था यहाँ पे, क्या कारण है कि इतना बढ़िया मंदिर आज तक नहीं बन पाया? ये प्रशासन की गलती है साहब, जो ये विभाग है ना पुरातत्व विभाग, ये सब इनकी गलती है। इन्होंने अपने हाथ को ले लिया मंदिर को, लेकिन इसका कोई रख रखाव नहीं है, कोई वो नहीं है, ध्यान नहीं है इसके तरफ ना। यहाँ पे चौकीदार है, पहले चौकीदार था वो भी वहाँ बुला दिया, थोड़ी बुला दिया आपने, और ना ये ध्यान देते हैं। जबकि यहाँ पे कई लड़कों ने ऐसा जो अभी पूर्व में सबल सिंह जी ने कहा कि हमें NOC दे दो, नेक जी से जो जेई है यहाँ के उनसे हमने बात भी की, उन्होंने मना कर दिया, साफ मना कर दिया। ये आगे का पुस्ता था जो खंडित हो गया था, इसको भी कई जोर डालने के बाद तब जाके उन्होंने इसको पूरा किया। अब बाकी आप देख ही रहे हैं मंदिरों की हालत क्या है, बोर्ड की हालत क्या है, बोर्ड तो लगा दिए लेकिन उनमें पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या पढ़ने मिट गया है।
सब मिट गया। फिर एक बोर्ड चमक रहा है, इसमें लिखा गया है कुछ चुरा के ले जाओगे तो जुर्माना होगा बस। खाली वो है जो दंडनीय अपराध है, ये है वो है जो मंदिर का इतिहास है उसका सही नाम नहीं। एक और प्राचीन मंदिर आप यहाँ पे देख पा रहे जो कि शंकर भगवान का है, और यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि नित्य नियम से पूजा हो रही है। तो मैं सफाई देख के मेरा मन जो गदगद हो गया, कम से कम आपने सफाई तो रखी हुई यहाँ पर। नमस्कार पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज यहाँ पलेठी बनगढ़ में आने पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कि आप हमारे यहाँ पे आए, आपने हमारी सुनी और इस मंदिर के बारे में आपने हमारी सुध ली। और ये हमारा शिव जी का मंदिर है, हमने कई बार यहाँ पे पुरातत्व विभाग वालों को बोला, पहले भी उन्होंने एक चौकीदार यहाँ पे रखा था और चौकीदार यहाँ पे कई दिनों तक तो यहाँ पे रहा, उसके बाद उन्होंने पौड़ी अटैचमेंट कर दिया उनको अपने विभाग में, तो फिर भी वो हमारी सुध नहीं लेते हैं। हमने उनको बोला कि हम यहाँ पे कोई पर्यटक स्थल बनाना चाहते हैं कि हमें हमारे जितने भी लड़के हैं हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं, पूरा हमारा ग्रुप बना है, ग्रुप में सब लोग बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे कार्य करो और कार्य करने के लिए हम तत्पर तैयार हैं। इसको धाम बनाने की हमारी जो है अभिलाषा है कि हम इसको धाम बनाएं। 88 वर्ष का बुजुर्ग आज भी नाश्ता पानी तब पड़ता है जब सबसे पहले इस मंदिर में आके झाड़ू लगाता है, बहुत बड़ी बात है। इनके लिए भी आप एक शेर जरूर कीजिएगा। तो आपको मेरा बारंबार प्रणाम, आप रखिए मेरे सर पे हाथ। आपको शुभ नाम क्या है? भवानचंद कुमारी जी। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इसकी रेख देख ज्यादातर आप ही करते हैं। मैं 2000 मार्च से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, हिसाब कर लीजिए। अच्छा 2000 मार्च से कोई पैसा मिलता है ऐसे? कोई पैसा नहीं, हमें इसके कोई मतलब नहीं है। पैसा चाहिए भी नहीं? मुझे चाहिए नहीं, और मैं अपना जो करता हूँ अपना कर्म वो कर्म करके चलाता हूँ, शांत सफाई करके बस यही मेरा काम है बस। और वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि महाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्य सर्वदा। और मेरी यही की मांग है, ये टूटे हुए मंदिर जो है अगर सरकार बना दे तो बड़ी अच्छी बात है ना। यहाँ पर चौक हजार तो बढ़ा उसको भी ले गए। हाँ वो तो ले गए, तो उसके बाद मार्च में गया था 2000 मार्च में, तब से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। एक टाइम पे मैंने आने जाना, पहले तो दो टाइम नहीं थे, एक टाइम मैं काम करता ही यहाँ पर, सफाई करूँ ना करूँ मैं यहाँ पर जरूर आता हूँ, मेरी आत्मा तो भी शांत होती है। अच्छा पहले कहाँ करते थे आप नौकरी? पहले मैं में। अच्छा ये स्टील प्लांट है ना के भिलाई। चले आप ये आवाज आप ये मेहनत रंग लाएगी और सरकार जरूर इस मंदिर को बनाएगी, ऐसा मुझे लगता है। हमें यही चाहिए बस, आप कुछ नहीं। अच्छा 2000 है तो कोई चौकीदार नहीं है? नहीं कोई नहीं है। अब बताइए ये लड़के लोगों ने बहुत जितने आदमी आते हैं यहाँ मंत्री लोग आते हैं सबके पास बोल रहे हैं, लेकिन हाँ आएगा आएगा, कहाँ आ रहा है? कौन सी लिपि भाई साहब? एक भाई साहब यहाँ मौजूद है, ये कह रहे हैं कि इसको पढ़ने के लिए चाइना से जो है घोड़ों पर बैठकर कुछ लोग यहाँ आए। और तब उस समय हम बहुत छोटे थे, लगभग 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, तो चीन से इंडोलाखाल से उस समय यहाँ रोड नहीं थी, तो घोड़ों में लोग आए इंडोलाखाल से यहाँ, वो अपने यहाँ उन्होंने ये लिपि पढ़ी, लेकिन फिर भी वो उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि क्या है ये, कैसे यार कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो जी जी तो वो लोग आए थे घोड़ों में आए थे। अच्छा छोटे थे हम उस समय। कितने साल के आप तब होंगे? लगभग होंगे 15-16 साल के। अभी आप कितने साल के? अभी तो मैं लगभग 52 साल का हूँ। अच्छा मतलब 30-32 साल पहले की बात है। हाँ जी 30-32 साल पहले। और आज तक भी कुछ हुआ नहीं? कुछ हुआ नहीं। पत्थर है एक और भी पत्थर आप देखिए, एक और शिला यहाँ पर है जिसे पढ़ने को जैसा कि भाई साहब ने बताया कि चीन से लोग यहाँ पे आए घोड़ों पर, आप उन्होंने पढ़ा लेकिन क्या पढ़ा, इस पर क्या लिखा हुआ है, या तो बताया नहीं किया या फिर उन्हें समझ में नहीं आया। सरकार से हमारा यही अनुरोध रहेगा इस प्रकार के जो पौराणिक मंदिर है उनको जो है जिंदा किया जाए। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उत्तम बिष्ट जी आपका, क्योंकि आपने इस उत्तम कार्य के लिए मुझे यहाँ आने के लिए कहा। और एक ऐसे बुजुर्ग 88 वर्ष के बुजुर्ग हैं जो निरंतर आज भी इस मंदिर को कैसे बचाया जाए और कैसे संजोया जाए उसमें लगे पड़े हैं। तो मैं सभी ग्रामवासियों का और सबसे पहले तो मैं देवधरात हूँ आपका तो कितना धन्यवाद करूँ, हमारे पास शब्द नहीं है। और इन सभी के ग्रामवासियों का जो यहाँ पर मौजूद है आज यहाँ पर,
इनका भी धन्यवाद देंगे। युवा भी यहाँ पर खड़े हैं हमारे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शुभम सिंह बिष्ट है। तुम भी करते हो सभा यहाँ आके? कभी कभी करते हैं। युवा पीढ़ी है, आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अगर इन पे ध्यान नहीं दिया जाए तो ऐसे ही मिस हो जाएंगे। और मैं सरकार से यही बोलना चाहूँगा कि इन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए और इन मंदिरों को बचाया जाए। आप कहते हैं कि आप भाई साहब जाते हो कैमरा मैन कौन होता साथ में, तो मुझे ऐसे युवा कैमरा मैन कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, तो आप हैं सुजय सिंह, आपको भी धन्यवाद। मैं सरकार को संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे मंदिरों में काम कराया जाए, क्योंकि ये ऐसे मंदिर भारत में बहुत कम है, कुछ ही मंदिर है। अगर यहाँ ऐसे काम नहीं कराया जाए तो धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। यहाँ लोग दर्शन करने के लिए बहुत कम आते हैं, जबकि ये कई मंदिरों से सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। यह मंदिर सिर्फ कुछ ही मंदिर है भारत में। मैं सरकार से संदेश देना चाहता हूँ सरकार को कि यहाँ अच्छे से अच्छे काम कराया जाए। अगर सरकार काम नहीं कराती तो यहाँ के लोग काम करने के लिए यहाँ अवेलेबल है। चलिए, धन्यवाद आपका गोविंद जी। हाँ जी, आपको भी धन्यवाद। हाँ जी, बहुत धन्यवाद है आपको। क्या कहे आप? मेरे तो काम तो मैं मेरे तो ड्यूटी है, और मैं अहो आगे समझता हूँ कि आज मुझे जो है ये सब देखने का, इन लोगों को देखने का मौका मिल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, तो आपको भी धन्यवाद। और ये एक बालक और हमारे साथ में मुस्कुराता हुआ चेहरा, इधर आइए, ये नैतिक चंद। क्या नाम है? नैतिक चंद। क्या कहना चाहेंगे आप इस कार्य के बारे में, कैसा लगता है? अच्छा बनाना है। जिस दिन यहाँ योगा वर्जी उस दिन तुम थे यहाँ पे, थे ना? वेरी गुड। ये दोस्तों जो कुछ हिस्सा बचा हुआ है इस मंदिर का, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तरह तरह की आकृतियां यहाँ बनाई गई हैं। क्या कुछ ये आकृतियां हैं, ये क्या दर्शाती हैं, क्या बताती हैं? यहाँ पर एक भाई साहब है, आइए ना, ये देखिए आप मंदिर की सफाई। और जब देखा बारिश आ गई तो तुरंत जो है छाता भी ले जाएगा। आपको मेरा चरणा समर्पण प्रणाम। भाई साहब आप जरा बताइए इस मंदिर के बारे में, ये जो डिजाइन है ये क्या क्या, इसको आप पकड़िए और मैं दिखाता हूँ, आप बोलते रहना, ठीक है? आप करते रहना। जी, ये यहाँ पे गंगा जमुना दोनों नदियां हैं ये, और ये जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे खाली स्थान है ये दोनों साइड में है, मंदिर के दोनों साइड में ये ऐसे हैं। अगर मानव के अंदर कोई भी आदमी जैसे मंदिर में प्रवेश कर रहा हो, उसके अंदर बुरी भावना हो या विकृतियां हो, वो ये चीजें अपने तरफ खींच लेती हैं। अच्छा, मतलब नेगेटिविटी को अपने तरफ खींच लेती है, ये जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनको अपनी तरफ खींच लेती हैं। ये गंधर्व हैं, इन्होंने पूरे मंदिर का भार जो है अपने ऊपर उठा रखा है। परस्पर दो है, एक इधर भी है। हाँ, दोनों है। जी जी, दोनों है। बाकी आप ये सूर्य मंदिर का जो प्रवेश द्वार है इसको देखोगे तो ये अलग ही शेप में है, ये टी शेप में है। और थोड़ा उधर को जमा दो जरा, और जो शिव मंदिर है उसका गेट अलग प्रकार का है। प्रवेश करते हैं मंदिर के अंदर और दिखाते हैं आपको। जी, ये है सूर्य भगवान विराजमान है यहाँ पे, है बहुत बड़ी मूर्ति है उनकी यहाँ पे, और उनका रथ भी है ऊपर, जो प्रवेश द्वार के ऊपर उनका रथ है। अभी दिखाते हैं आपको बाहर। ये जो अन्य मूर्तियां यहाँ पे रखी है इनके बारे में बता पाएंगे? इनके इनके बारे में मुझे बोल रहा हूँ जी, बहुत ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। ये सूर्यदेव का वो है जो ये चक्र, हाँ ये उनका वो है, मतलब चिन्ह है। पर जो है सूर्यदेव महाराज जो है सवार है, सात घोड़ों का रथ है उनका, जो प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर विराजमान है। और ये जो स्टेप है, जो ये सीढ़ियां है ना, इस मंदिर की एक अलग ही विशेषता है। इस पे ये 12 स्टेप है, और जो शिव मंदिर है उसपे 10 है। अच्छा, उसपे 10 है, इस पे 12 है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये अलग ही उसमें है। बाकी ये मंदिर का वो देख ही रहे होंगे आप, सारी काई जमी हुई है। ये मंदिर कुछ दिनों में जो है लगभग मृत्यु की ओर जा रहा है। मंदिर जो है सारे बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, और इन पे काई जम चुकी है, और ये मंदिर मतलब कुछ दिनों में इनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी।
ये मंदिर के चारों तरफ बिछे हुए पत्थर हैं, ये जो चौड़े चौड़े हैं और जो ये लंबे लंबे हैं, ये मंदिर के ही अवशेष हैं। जो मंदिर टूटे हैं, जो दो मंदिर यहाँ पे जीर्णावस्था में है, ये उनके अवशेष हैं सारे। ये एक गोल पत्थर है, वो दूसरे मंदिर का वो है, गुम्बद के नीचे का पत्थर। बाकी ये हमने कहा भी था इन पत्थरों को कहीं यूज करो, उन्होंने कुछ वो नहीं किया, इनकी शुद्धि नहीं ली कि ये भी। और देखो ऐसा पत्थर मिलना बहुत मुश्किल है, आज अगर कहीं भी ढूंढेंगे हम तो ऐसा पत्थर नहीं मिलेगा हमें। अब देखिए, पहले हमने मिला आपको ताऊ से, हम मिलवा रहे ताई से, और ये ताई जी है, ये ताऊ जी है, और निरंतर मंदिर सफाई करते हैं। ये जब मंदिर में सफाई करने आते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती है, परेशानी थोड़ा बहुत? नहीं है, नहीं, आप खुश होते हैं, मतलब सफाई कर रहे हैं। उसी मंदिर की, इस शिवालय की कृपा है हमारे ऊपर, मैं इसको मानती हूँ। हमारे पस्ती घर की ऐसी हो गई थी, मतलब जैसे कोई मतलब जाने वाली हो गई थी, पर इस भगवान की कृपा से मतलब हम आज तक खड़े हैं, जिंदे हैं। हमारे अंगहीन हो गई थी पूरी, आँख से भी, कान से भी, मतलब पैरों से भी, हाथ से भी, मुंह से भी, पर इसकी कृपा से मतलब आज दिन में थोड़ा ठीक है। तब से आपको मन भी है, आप मन में लगा, मुझे लगता है कि भगवान की अभी सरकार सुधरेगी और इस मंदिर को जो है सरकार बहुत बढ़िया बनाएगी। बनाएगी सरकार को, मतलब अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसकी मान्यता बहुत दूर दूर से है, बाहर के देश में भी है। ऐसे नहीं है कि यही हमारे गढ़वाल में है, पूरा मतलब जितना विश्व है, जहाँ यहाँ मतलब ये मंदिर का पूरा सब नाम है। बताइए, आप सूर्य मंदिर से आती हैं तो आपने इसके अलावा सूर्य मंदिर और कहाँ गए, कुछ सुना आपने कभी? सुना, ये बोलते हैं कि कहाँ पर है, भिलाई में, ये कोणार्क में, कुमाऊं में, कुमाऊं में है, और कहाँ है ये, मध्य प्रदेश में बोलते हैं, मध्य प्रदेश में भी कहते हैं लोग, सुना है हमने, देखा नहीं है। बहुत जल्दी आपकी मेहनत अंक लाएगी और हमारा मंदिर खूब मुस्कुराएगा, खूब लोग आएंगे। तो आपकी जोड़ी को मेरा बारंबार नमस्कार। सरकार को ये निवेदन है कि वो अधिक से अधिक ध्यान दे हमारे मंदिर पे, यहाँ पर मतलब कोई कार्यक्रम होगा, कुछ भी होगा, यहाँ व्यवस्था मतलब अच्छी से करे, मतलब जनता लोगों को कोई हम कोई कार्यक्रम करेंगे इनके लिए, मतलब थोड़ा से व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए सरकार को। अब आम पब्लिक तो कर नहीं सकती है, क्योंकि पुरते विवाद में चले गए, इसके अंदर तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, किंतु बाहर के लोग मतलब कुछ नहीं कर सकते अंदर, बाहर में करेगा तो बाहर करने से क्या होगा। सही बात है, पर ये है कि जो मतलब ये लोग आएंगे, सरकार आएगी, सरकार देख करके कि यहाँ क्या दुख है, क्या सुख है, क्या व्यवस्था करनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, जनता के लिए मतलब हर पब्लिक के लिए मतलब इसका नाम होगा, और हम लोग मतलब इतना ही बोल सकते हैं भाई, ये कृपा है, धन्यवाद, मतलब सबको नमस्कार। इस मंदिर में जो मैं देख पा रहा हूँ विशेषता, ये आप देखिए, यहाँ पे ये बेलपत्र का पेड़ है, पीपल है, और आपका बड़ का वृक्ष है, देखिए ये है बट वृक्ष, और इस प्रकार के जो भी पूजनीय पौधे होते हैं, जो पेड़ हैं, वो धरती पर हर जगह नहीं पनपते। और वही दूसरी ओर मैं आपको दिखाना चाहूं, ये आप देख सकते हैं, ये रुद्राक्ष का पेड़ यहाँ पर है, और ये यानी कि यहाँ पर जो एनर्जी है, मतलब इस यहाँ पर सभी प्रकार के वो वृक्ष जो पूजे जाते हैं उनका समावेश होना, ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी का एक संकेत है। ये देखिए आप, रुद्राक्ष का पेड़ है और उसका बीज, लेकिन इसे भी बंदर आके तोड़ जाते हैं, तो इसका जो है फायदा भी हमें नहीं मिल पाता है। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा मंदिर के बाहर का नजारा भी दिखा दें, क्या सुंदर मौसम है, बारिश भी हो रही है, और कहते हैं कि अगर बारिश हो जाए तो समुद्र शुभ कार्य की शुरुआत हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ऐसा कोई वृक्ष भी नहीं है, ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जो कि यहाँ पे ना हो, चाहे चंदन का हो, चाहे रुद्राक्ष का हो, चाहे तुलसी का हो। ये देखिए, ये बता रहे भाई साहब, ये वाला पेड़ आप देख पा रहे हो, ये है चंदन का। तो चलिए बहुत जल्दी ये खुशखबरी हम आपको दिखाएंगे इस मंदिर से। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज देखिए, अगर इस मंदिर का नवनिर्माण हो जाए, इस पर हमारी सरकार की नजर पड़ जाए, तो शायद पूरे क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और हमारे सूर्य भगवान
जिनकी कृपा से सब कुछ, गर्मी होती है तो बारिश होती है। सूर्य भगवान अगर एक दिन भी ना आए तो कैसे लगता है आपको? अंधकार।